हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, किंग चो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में और आपके लिए। अभी मेरा मन कर रहा था कि ये ना जो शेल्फ है मेरी किचन की, इसके ऊपर मैं जम करके बैठ जाऊं, फिर मैंने अपने आप को रोका। मैं कहा जज्बातों को थोड़ा रोको लड़की, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा जब मैं 44 kgs होती थी किसी टाइम पे, और मतलब ऐसे हवा में उड़ती थी, भागती थी, दौड़ती थी, थकती नहीं थी कभी भी। और अब देख लो क्या हाल हो गया है। अब सारे लोग जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो यही कहते हैं, मैम आपका वेट बहुत बढ़ गया है। पहले तो आपको एक बात बता दूं गाइस, किसी को किसी के वेट के बारे में, रंग के बारे में, उसके अपेयरेंस के बारे में बोलना अच्छी बात नहीं है, जो कि हमें हमारे देश में एक्चुअली सीखना चाहिए कि हम किसी को बॉडी शेम ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से भी उनका वेट गेन होता है, या उनकी स्किन खराब हो जाती है, या मे बी दे आर बॉर्न इन अ सर्टन कलर। तो हमारा कोई हक नहीं है किसी को नीचा दिखाने का। मैं ये नहीं कह रही आप लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं या मैं किसी को नीचा दिखा रही हूं, बट ये जनरली कहते हैं ना, एक मैसेज अगर आप अच्छा किसी को दे सकते हो या कुछ सिखा सकते हो तो जरूरी है। तो आज हम किस चीज के ऊपर बात करेंगे। अब आपने किचन मेरी देखी है कि मैं किचन में खड़े होकर वीडियो बना रही हूं, तो श्योरली किचन के बारे में ही कोई बात है। लेकिन बात ऐसी है जिसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, कोई पॉइंट आपने मेरा छोड़ना नहीं, क्योंकि आपको मैं आज कुछ एक ऐसी सच्चाइयां बताऊंगी। वीडियो बीच में कहीं नहीं रुकेगी, नेचुरल वीडियो चलेगी एंड तक, और बिना कट के, बिना एडिट के ये वीडियो मैंने डालनी है आज। उसका कारण क्या है, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज खो दी जो मैं नहीं चाहती आप खो दें, वो है मेरी हेल्थ। मुझे कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि मेरी अपनी छोटी छोटी बेवकूफियों की वजह से मेरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। मैं फ्लाइट्स पे जाती थी, खाना ढंग से नहीं खाती थी, वेजिटेरियन थी मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे क्या होता था, मैं खाती थी कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, आलू हो गए, हमारा आटा हो गया, चावल हो गए। तो मैंने कभी भी अपना जो खाना है ना वो बैलेंस नहीं रखा कि वेजिटेबल्स भी खाऊं, प्रोटीन कितना खाना है, कार्ब्स कितने खाने हैं, उसमें कितना किसी चीज में फैट है या क्या है, कभी ध्यान नहीं रखा। जो हाथ में आया, जो मिला, वेजिटेरियन थी, घूमती थी, जो मिलता था बस वही खा के गुजारा करने वाली बात होती थी। और दूसरा क्या करती थी, सॉरी मेरे दांत में कुछ अटका हुआ है, एक मिनट। हाँ, अभी मैंने कुछ खाया था, मम्मी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि इस वीडियो का हिस्सा है वो, डोंट वरी। तो वो मेरे दांत में फंस गया था, मुझे इरिटेट कर रहा था। तो मैं क्या कह रही थी, यस, ट्रेवल करते हुए मैंने सबसे बड़ी जिंदगी की गलती ये की, पैसा बचाने के चक्कर में मैंने अपनी हेल्थ गवा दी। यस इट इज ट्रू। कहा जाता है कि जो गोरे लोग हैं या यूरोपियन लोग हैं ना, वो जो अपने शरीर के अंदर डालते हैं वो महंगे से महंगा, बेहतर से बेहतर क्वालिटी का डालते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, वो अच्छे से अच्छा फ्रूट खाएंगे, महंगी से महंगी चीज खाएंगे, या बहुत बढ़िया ऐसा खाना लेकर आएंगे जो उनके शरीर के लिए अच्छा है, जो उनके शरीर को मजबूत बनाए। वर्सेस हम लोग हैं कि जो चीज हमें लगता है जो मार्केट में सस्ती मिल रही है, या हमारी पॉकेट फ्रेंडली है, या हम ऐसा कर लेते हैं कि हम महंगा कपड़ा पहन लेते हैं, महंगा जूता पहन लेते हैं, महंगा हैंडबैग ले लेते हैं, महंगे घर बना लेते हैं, लेकिन अपने शरीर के अंदर हम ढंग की चीज नहीं डालते, जिसकी वजह से हम लोगों की हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है, जैसे कि मेरी हुई है, या बहुत सारे मेरे आसपास लोग हैं जो अपने खाने का ध्यान नहीं रखते। अपने नजरिए से उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा खा रहे हैं, हमारे घर का खाना बहुत बढ़िया है, घर का खाना खाना चाहिए, लेकिन अगर उसमें घर के खाने में एक कटोरी तेल आपने डाल दिया, या बहुत ज्यादा मसाले डाल दिए, नमक मिर्च डाल दिया, या आपने बैलेंस फूड नहीं खाया, जैसे बहुत सारे लोग सलाद नहीं खाते, या दूध दही, तो अभी खैर कंट्रोवर्सी है, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं दूध दही इस एज में नहीं खाना चाहिए। तो चलो, अगर एक रूटीन हम डाइट का उसको हिस्सा मान के भी चलें, तो वो लोगों को भी कितने प्रोपोर्शन में खाना है, कौन सी चीज की बॉडी में कितनी जरूरत है, कितने विटामिनों की जरूरत है, हम कोई परवाह नहीं करते। हम लोग को ये होता है, अगर आलू की भाजी बनी है, आलू की भाजी भी हमारी कार्बोहाइड्रेट है, रोटी भी हमारी कार्बोहाइड्रेट है, या चावल भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, तो हम सारा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं, जो कि मेरे केस में भी हुआ, जिससे कि हमारे शरीर में विटामिनों की कमी होती है। विटामिनों की कमी होने से हमारे जो शरीर के टूटे हुए टिश्यूज होते हैं, जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर में छोटे छोटे टिश्यू होते हैं जो टूट जाते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए तरह तरह के विटामिनों की जरूरत होती है, जिसकी वजह से विटामिन हमें खाने चाहिए, जो अखरोट है, बादाम है, तिल है, या कोई भी इंग्रेडिएंट है जिसमें कोई विटामिन है, वो सारे विटामिन हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी होते हैं।
जिनकी कमी बेहद मेरे शरीर में पाई गई क्योंकि मैंने अपना खाना ढंग से नहीं रखा। मैंने इंडिया से वापस आने के बाद अपना फुल बॉडी चेकअप कराया। थैंक टू गॉड, थैंक्स 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 कि शुक्र है कि मेरे को कोई मेजर बॉडी में, किडनी में, लीवर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई, लेकिन मेरा विटामिन B12 जिसे हम ताकत कहते हैं बिल्कुल ही खत्म था बॉडी में। उससे कुछ महीने पहले विटामिन डी मेरी बॉडी में बिल्कुल ही खत्म था। तो ये नहीं होना चाहिए, तभी हम फटीग, थका हुआ या और प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी में, क्योंकि हम अपना ध्यान ही नहीं रखते। खास करके औरतें, पीरियड्स होते हैं हमें, बच्चे हम पैदा करती हैं, घर पे मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, सब कुछ। मैं ये नहीं कहती मर्दों पे नहीं रहता, पर मैं एक औरत हूं तो मैं उनके बारे में ज्यादा बोलूंगी, तो उनमें भी कमी होती है, जिससे कि क्या होता है, घर के कामों में बिजी होकर आप अपने आप को भूल जाते हो। तो ये नहीं करना। तो आज लंबा लेक्चर नहीं मैं आपको देती, तो आपको कुछ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी चीजें बताऊंगी जो मैंने अपनी लाइफ में अभी चेंज किए हैं। पतला या मोटा होना आपको स्वास्थ्य आपका नहीं दिखाता। अगर आप मोटे हो तो आप अनफिट हो, अगर आप पतले हो तो आप फिट हो, ऐसा नहीं है। और ना ये मोटे पतले होने पे वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ हेल्दी होने पे है। अगर हेल्दी होने के साथ साथ आप वेट लूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका मन है। लोगों के, सोसाइटी के प्रेशर में आके ये चीजें मत सोचिए। अगर मैं मोटी हूं मैं अपने लिए अच्छी हूं, अगर मैं पतली हूं तो भी अपने लिए अच्छी हूं, अगर मैं काली हूं तो भी मैं अपने लिए अच्छी हूं, अगर मैं गोरी हूं तो भी मैं अपने लिए अच्छी हूं, ये एटीट्यूड अपनाना है। परवाह नहीं करनी दुनिया की, क्योंकि वो तो जीने देते ही नहीं है किसी को भी। तो आज मैं कुछ एक बातें आपको बताने वाली हूं अपनी किचन से, जो मैंने इंप्लीमेंट की है अपने घर में, अपनी किचन में। होता क्या है कि जो चीज आप अपनी किचन में रखते हो वही हमारे हाथ तक पहुंचती है। और अभी मैंने अपने घर में ग्रोसरी, थोड़ी सी जो हम सामान किराने की दुकान से लाते हैं, थोड़ी सी चेंजेस किए उसमें। तो मैं आपको बताती हूं कि मैं जब दिन की अभी शुरुआत कर रही हूं आजकल, तो मैं मॉर्निंग में क्या करती हूं। सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद जब मैं अपने कमरे से निकलती हूं, पहला मेरा रूल है कि मैं अपना फोन मॉर्निंग में उठने के आधे घंटे घंटे तक चेक नहीं करती हूं। और मैं अपना फोन रात को या बंद करके सोती हूं या मैं साइलेंट पे करके सोती हूं। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके यहां के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उठते सार ही एकदम आपका बॉडी रिलैक्स मोड में है, और एकदम कोई खबर ऐसी मिल जाए या किसी का मैसेज आप अपसेटिंग पढ़ ले तो पूरा दिन आपका खराब जाएगा। तो आपने ये एक चीज पल्ले बांधनी है कि अपना फोन मॉर्निंग में उठते आपने चेक नहीं करना। दुनिया में जो हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, एक घंटा अपने आप को कम से कम मॉर्निंग में दो जब आप अपना फोन चेक ना करें। और अपने फोन को आपने अपने बिस्तर से दूर रख के सोना है, आपने बार बार टिंग टिंग पे अपना फोन नहीं उठाना, उसको दूर रख के सोना है, शांति की नींद। ये था सबसे पहला पॉइंट मेरा जो मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस करती आ रही हूं, एंड बिलीव मी इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। जिस दिन भी गलती से मैंने कभी अपना फोन उठते ही उठाया ना, पूरा दिन मेरा मूड खराब रहा है, क्योंकि कोई ना कोई बात या कोई कोई चीज ऐसी सामने आ जाती है जो मुझे नहीं देखनी थी मॉर्निंग में, और उससे उसको देखा और मेरा मूड खराब हो गया। उसके बाद आती है बारी मेरी इस क्लोजेट की, जिसमें से सुबह उठते यहां मैं आती हूं, और ये मेरे फेवरेट ग्लास है, महंगे भी नहीं है लेकिन इनमें खूब सारा पानी आता है। ये कलरफुल ग्लासेस मुझे इन अ वे अट्रैक्ट करते हैं, मुझे बुलाते हैं अपने पास। ये दो गिलास मेरे हमेशा मेरे वाटर वाली जो मशीन है इधर पड़ी हुई, आपको दिखाती हूँ, उसी के पास पड़े होते हैं। ये दो गिलास पानी के ताजे में भर के मॉर्निंग में पीती हूँ, ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। अगर बहुत मैंने एफर्ट करना है मॉर्निंग में उठ के, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस केटल में पानी गर्म करती हूँ और आधा ताजा और आधा थोड़ा सा गर्म, मतलब गुनगुना पानी मैं इसमें बना के दो गिलास पी लेती हूँ। इसी दो गिलास पानी के साथ मैं एक चीज लेती हूँ, वो है थोड़ा सा मेथी दाना। इंडिया में कहा जाता है या हमारे मुल्कों में कि मेथी दाना बहुत गर्म होता है, तो प्लीज बहुत ज्यादा नहीं, कुछ दाने इसके। अगर आपने एफर्ट करना है तो आप रात को भिगो के रख के सुबह उसका पानी पी लें और दानों को चबा लें। तो मैं कभी कभी रात को भूल जाती हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट, बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैं इनको सुबह उठती हूँ और मतलब एक थोड़े से इसका छोटा सा बिल्कुल पोर्शन इसका मैं लेती हूँ हाथ पे, और मुंह में डाल के पानी, ये गुनगुना दो गिलास पानी मैं पी लेती हूँ। एक तो तरीका है ये मेरा, और उसका दूसरा तरीका मैं क्या करती हूँ आजकल, खास करके उनके लिए बता रही हूँ जिनको जोड़ों में दर्द है, इम्यूनिटी लो है, और जो लोग वैसे ही फिट रहना चाहते हैं। लेकिन एक हमारे यहाँ पे मिथ है जिसको हमने बस्ट करना है कि अदरक गर्म होता है, अदरक ज्यादा मत लो।
अगर आप बहुत गर्म तासीर वाली चीजें पहले ही बहुत सारी खा रहे हो तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि जी आपको अदरक एक लेस क्वांटिटी में लेना चाहिए। अगर बाकी दिन में आपका खाना बैलेंस रहता है तो अदरक का पानी पीने से या अदरक खाने से मुझे नहीं लगता कोई गर्मी होती है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं पूरा साल हो गया है मुझे, मैं अदरक को क्या करती हूँ आपको बताती हूँ। मैं अदरक को बारीक बारीक लंबे लंबे पीसेस में काट लेती हूँ, जैसे अचार में डालने के लिए काटते हैं ना लंबे लंबे पतले पतले कैसे भी शेप में, उसको मैं डाल लेती हूँ इस केटल में। ये है हॉट वाटर केटल। इस केटल में क्या होता है, पानी को हम गर्म कर सकते हैं, दूध कोई और चीज इसमें गर्म नहीं करते, सिर्फ पानी के लिए है ये। ग्रीन टी बनाने के लिए कई लोग इसको पानी को उबालते हैं इसमें, मतलब अगर पैन में गर्म नहीं करना चाहते तो इसमें कर लेते हैं। तो मैं ये काफी सारा अदरक आपको बताऊं कितना, ऑलमोस्ट इतना पीस मेरे हाथ के साइज का पीस है, इसको मैं काट लेती हूं किसी भी शेप में, लंबे लंबे पीसेस काटती हूं, इस केटल में डालती हूं और इस केटल का जहां मैक्सिमम है उससे थोड़ा कम पानी डालती हूं और इस केटल को मैं पानी को उबाल लेती हूं। एक बार उबाला 15-20 मिनट बाद फिर इसको ऑन कर देती हूं ताकि इसका जो अदरक का एक्सट्रैक्ट है वो पूरा केटल में निकल जाए। तो ये पानी मैं खाने के बाद, खाने के पहले, दिन में कभी भी अगर मेरा ग्रीन टी पीने का भी मन करता है तो मैं इसी पानी को गर्म करती हूँ, अदरक वाले पानी को, उसी में ग्रीन टी डालती हूँ, उसी में ही एक कप पी लेती हूँ। अगर ग्रीन टी आपके पास नहीं है और आपको पसंद नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी, बहुत ज्यादा ग्रीन टी पीना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अदरक वाला पानी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं तो बिलीव मी बहुत फर्क पड़ता है उससे। क्योंकि मैंने भी अदरक वाला पानी पीना शुरू किया है, इसको उबालती हूँ और इसको पीती हूँ मैं सारा दिन। रात को मेरा मतलब अदरक वाली टी पीने का मन करता है तो जिंजर टी मेरी रेडी है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जिंजर टी में लेमन डाल लेते हैं, लेकिन गाइज बी केयरफुल, लेमन जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, घुटनों में दर्द है, बॉडी में पेन्स रहती हैं या कई और उनकी हिस्ट्री है खटास को लेकर, तो वो प्लीज नींबू ना डालें। तो मैं नींबू नहीं यूज कर रही हूं, मुझे वैसे ही जोड़ों में दर्द रहता है तो मैं अदरक का पानी मैंने पीना शुरू किया है। तो कभी मॉर्निंग में मैं ये और ये लेती हूँ, नहीं तो मैं क्या करती हूँ सीधा अदरक वाला पानी 2 गिलास मॉर्निंग में गुनगुना पानी करके मैं पी लेती हूँ। तो ये मेरी आजकल नई रूटीन है जो मेरा मन था कि मैं आपको बताऊं। उसके बाद बारी आती है एक ऐसी चीज की जो मैंने अपने आप बनाई है, वो ये मिश्रण है। इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये मैंने कांच के कंटेनर में डाला है, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। इसमें मैंने डाले हैं सफेद तिल, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, और क्या चीज डाली थी इसमें मैंने, आई थिंक ये 3-4 चीजें हैं इसमें, थोड़ी सी मूंगफली भी डाली है जिनको सूट करती है। तो बेसिकली ये मैंने मिक्सचर बनाया थोड़ा ग्रेन्स का, क्योंकि ग्रेन्स जो होते हैं ना हमारी बॉडी में, कई तरह के विटामिन, कई तरह के ऑयल्स हमारे जोड़ों को या बॉडी को चाहिए होते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही बैलेंस ही चीज है, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूं। इसमें मैंने कुछ और भी डाला है क्या, इसमें मैंने तिल डाले हैं, मैंने आपको बताया है, मैंने बादाम डाले हैं इसमें, हाँ इसमें मैंने सौंफ भी डाली है, मैं भूल गई थी। सौंफ से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, तो ये मैंने यही खाया था। तो ये मैं 1 चम्मच ना तो 1 चम्मच, क्योंकि मैंने आधा चम्मच खा लिया था ऑलरेडी, वही तिल मेरे दांतों में घूम रहा था जिसको मैंने निकाला था, होल्ड ऑन। और इसको मैंने अपनी आंखों के सामने रखा है ताकि किचन में आके मैं भूलू नहीं। तो ये मेरी केटल जहां पड़ी हुई है इसी के बाजू में लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसको रख लिया है। तो ये हो गई 2 हेल्दी चीजें। अब आपने मॉर्निंग में उठ के पानी पी लिया, आपने वो मेथी दाना थोड़ा सा खा लिया, अगर आपने जिंजर का 1 कप पानी पी लिया, जिंजर टी मान लो आपने पी ली, उसके बाद जब भी किचन में आके आपने अपना दिन शुरुआत करनी है, सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है अगर और कुछ नहीं है घर में, 1 एप्पल और 1 बनाना। इसकी बनाएंगे हम स्मूदी, और वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मुझे कैमरा रोकना नहीं है तो मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ। एप्पल को छील के इसके आपने दाने जो है निकाल देने हैं, बनाना छीलना है ऑफकोर्स, साफ करना है जो उसके ऊपर लंबी लंबी होती है वाइट वाइट, उसको साफ करना है। इसके पीसेस को आपने अपने ब्लेंडर में डालना है, ब्लेंडर में या चॉपर में, ये मेरा इजी टू यूज चॉपर है ब्लैक एंड डेकर का। तो ये है,
इसी में मोस्टली सारा काम करती हूँ। इन पीसेस को इसमें डालना है और देखिए जो लोग बिलीव करते हैं कि दूध पीना चाहिए, आप इसमें आधा कप दूध डाल के इसको आप ब्लेंड कर सकते हैं। चीनी नहीं डालनी बिल्कुल भी, चीनी की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है गाइस, ठीक है। चीनी हमारे आटे में, चीनी हमारे चावल में, चीनी बहुत सारे खाने में हमें नेचुरली मिल जाती है, फ्रूट्स में भी चीनी होती है, तो प्लीज चीनी बहुत ज्यादा ना खाएं क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को शुगर हो रही है, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट शुगर। और एक सर्टन एज के बाद बॉडी जो है वो उसको बहुत ज्यादा शुगर प्रोसेस करने में दिक्कत आती है क्योंकि हम ज्यादा टाइम बैठे रहते हैं, हम ज्यादा वर्क हार्ड नहीं करते, ठीक है। जिनका सारा दिन खड़े रहने का काम है, बहुत मेहनत का काम है, आप डाल लो, नहीं तो उसकी जगह आप हनी डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें लेके अगर आपने दूध डालना है तो आपने दूध से उसको स्मूथ कर लेना है, स्मूदी बना लेनी है, जितनी थिकनेस आपको चाहिए उतनी थिकनेस के अकॉर्डिंग आपने उसको एक कांच के अपने अच्छे से कप में डालो ताकि पीते हुए फीलिंग भी आए, मजा आए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, नहीं तो मैं क्या करती हूँ, सच बोलूं तो मैं दूध के प्रोडक्ट्स आजकल कर रही हूँ अवॉइड, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि आप एक बार दूध छोड़ के देखो, और एडल्ट्स को दूध की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, और सेकेंडली बहुत सारे लोग वीगन टर्न हो रहे हैं और उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया कि वीगन होने के बाद, मतलब दूध दही के प्रोडक्ट्स छोड़ने के बाद, चीज घी वगैरह छोड़ने के बाद उनकी हेल्थ बेटर हुई है। तो उस चक्कर में मैं मोस्टली चीजों में आजकल मैं वीगन टर्न हुई नहीं हूं 100%, अभी भी मेरा पति मुझे चाय के लिए कभी कभी मजबूर कर लेता है अपने साथ पीने के लिए, लेकिन मेरी कोशिश रहती है। तो मैं इसमें डाल लेती हूँ आधा या पौना कप पानी का, थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाती हूँ, इसको घुमाती जाती हूँ। और आपको एक टिप दूं, जब आप ये स्मूदी शेक बनाओगे ना, मैं अभी शायद इसमें क्लिप देखती हूँ ऐड कर पाऊंगी तो करूंगी क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो जाती है मेरी, तो इसमें आप अगर आपने इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाना है तो ये वाला जो मिश्रण मैंने आपको बताया ना वो आप उस स्मूदी के ऊपर डाल के यार पी के देखना, मजा आ जाएगा लाइफ का। और हाँ, हनी ना नकली नहीं होना चाहिए अगर डालना है, क्योंकि मोस्टली जो हनी आपको मार्केट में मिलते हैं वो अगर आप फ्रिज में रखोगे ना तो जम जाते हैं, तो मतलब उनमें शुगर है, तो वो नकली है। जो हनी असली होगा ना वो आपके फ्रिज में पड़ा हुआ जमेगा नहीं कभी भी, तो हनी कहीं से आप देसी मंगवाओ या ऐसा मंगवाओ जो मतलब ओरिजिनल हो, उसको आप इस स्मूदी में ऐड करो। अगर हनी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना हनी के भी आप इसको पी सकते हो। तो ये कुछ एक छोटे छोटे चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में करने शुरू किए हैं जिससे मुझे फायदा हो रहा है। अभी बात आती है मेरा वेट गेन क्यों हो रहा है। मेरा गाइस वेट गेन हो रहा है, मेरी हेल्थ इश्यूज थोड़े से बड़े हुए हैं जिसकी वजह से अभी मैंने बहुत सारी दवाइयां खाई हैं, मुझे अभी अभी 6 इंजेक्शन लगे हैं, और उसके अलावा भी कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से अभी मेरे पेन्स की वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, स्विमिंग नहीं कर सकती, कोरोना भी चल रहा है, मैं लंबे वॉक्स पे नहीं जाती हूँ, गर्मी बहुत है बाहर। आई नो दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस, बट ये मेरी लाइफ में हो रहा है। और ऊपर से इंडिया से आने के बाद इतना बॉडी में स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड था क्योंकि इतनी सारी सिचुएशंस हमने इस साल फेस की हैं जिसकी वजह से बॉडी भी स्ट्रेस से कुछ लोगों की वेट लूज करती है, कुछ लोगों की बॉडी स्ट्रेस से वेट गेन करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कभी भी मैं स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ तो मेरी बॉडी जो है वो वेट गेन करना शुरू कर देती है, और कुछ एक मेरी दवाइयां ऐसी चल रही हैं जिससे कि ऑटोमेटिकली मेरा वेट गेन हो रहा है एंड आई कैन नॉट हेल्प इट। लेकिन ऑफकोर्स थोड़ी सी स्टेबल होने के बाद मैं, मेरा अपना मन है, ये नहीं कि मुझे दुनिया देख रही है या मुझे दुनिया कह रही है तो मुझे दुनिया को इम्प्रेस करना है, नो, मुझे खुद फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और अपनी खुशी के लिए थोड़ा सा वेट लूज करना है। दैट्स माय प्रॉमिस, आई विल डू दैट, एंड स्लोली स्लोली मैं आपको ऐसे टिप्स और शेयर करती रहूंगी जो आपके काम आएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है आपने मुझे जरूर बताना है, सिंपल सा वीडियो था गाइज, लेकिन ना कई बार होता है छोटी सी चीज इंसान की जिंदगी बदल सकती है। तो मैं भी इस चीज में बिलीव करती हूँ कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं अगर वो मेरी बात पे बिलीव करते हैं ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको सही चीज बताऊं, कभी गलत ना बताऊं। एक और टिप दे देती हूँ, वो एक्स्ट्रा है आपके लिए जाते जाते, बहुत ही बढ़िया सा टिप है। आप अगर चाय में चीनी पीना पसंद करते हैं तो आपको उसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट देती हूँ, लेकिन कम क्वांटिटी में ही यूज कीजिएगा। आप यूज कर सकते हैं ये चीज, तो ये है गाइस मिश्री जो मैं स्पेशली इंडिया से लेकर आई हूं, 2 किलो मैं लेकर आई थी। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके, और मिश्री कौन सी होनी चाहिए, धागे वाली जो ओरिजिनल होती है, टूटी हुई डिफरेंट शेप्स में जो ऑलरेडी बहुत अच्छी सी सजाई धजाई हो वो नहीं चाहिए आपको, ये वाली जो रफ होती है, बिल्कुल ही रॉ होती है, उसमें धागा होता है, वो वाली मिश्री आप यूज कर सकते हैं।
ये कंपेयर टू दूसरी शुगर के बेटर होती है। दूसरी जो हमारी बारीक शुगर है जिसको हम रिफाइंड शुगर बोलते हैं, व्हाइट शुगर बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सल्फर जाता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो प्लीज आप अपनी नॉर्मल चीनी को सब्स्टिट्यूट कीजिए इससे। या सबसे बढ़िया चीज, अगर आपको बिना सोडे का गुड़ मिल जाए, मतलब जो घर का बना हुआ गुड़ जिसे हम बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं डाले होते, वो गुड़ भी आप चीनी की जगह यूज कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो चलिए आज की पूरी हेल्थ की बातें, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। वीडियो अगर आपको ऐसे पसंद आ रहे हैं तो आपने मुझे कहां लिख के बताना है, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पसंद है तो बताइए। देखो मैं सिंपल सी हूं, जैसे सिंपल सी वीडियोस बनाती हूं, जो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूं, आपको पसंद आ रही है, मेरे लिए इतना काफी है और मुझे खुशी मिलती है जब आप कमेंट्स करते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। एंड आहान शर्मा जी का अपना चैनल बन चुका है जिसका नाम है आहान्स क्रेजी वर्ल्ड। तो अगर आप चाहें, अगर आपको आहान से प्यार है, तो आप आहान के वीडियो को आहान शर्मा के चैनल के ऊपर देख सकते हैं। उसको खुशी होती है, मम्मा इतने सब्सक्राइबर हो गए, अच्छा मम्मी इतने कमेंट आए, अच्छा मम्मी इतने लाइक आए हैं। यू नो ही इज ग्रोइंग अप, तो बच्चा है अभी, सो ही नीड्स आर एनकरेजमेंट। तो प्लीज आहान्स क्रेजी वर्ल्ड, मैं उसका जो चैनल का लिंक है वीडियो के नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं और उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आहान को फॉलो कीजिए और उसकी बहुत सारी मस्ती वाली वीडियोस आपको मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही, मैं ले रही हूं आपसे विदा। वीडियो हो गई बड़ी लंबी, आपको हो गई इतनी लंबी वीडियो, हमारे पास देखने का टाइम नहीं होता मैडम। चलो जी गाइस, टेक केयर फॉर नाउ एंड आई विल टॉक टू यू वेरी सून। गुड बाय।